हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पे वन प्लस सी थ्री फाइव जी यहाँ पे जो लॉन्च हुआ है फोन, उसमें यहाँ पे आपको पबजी टेस्टिंग करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे पबजी प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसा यहाँ पे पबजी का परफॉर्मेंस होने वाली है, किस लेवल में यहाँ पे पबजी आप खेल पाएंगे, कैसा आपको यहाँ पे पबजी का जो भी गेम प्ले है उसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि इसमें यहाँ पे ग्राफिक्स क्या क्या सपोर्ट करता है, कैसा यहाँ पे आपका गेम प्ले होने वाली है। साथ में यहाँ पे हीटिंग और यहाँ पे जो भी हीटिंग होता है फोन, वो हीटिंग होता है या नहीं होता, लाइव फोन होता है या नहीं, तो इसी के बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पे आपको बताऊंगा और यहाँ पे वो गेम प्ले खेल के भी आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसा यहाँ पे वन प्लस सी थ्री फाइव जी का यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाला है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ अरजीत कुमार और आप देख रहे हैं हर रोज की तरह इंटरेस्टिंग चैनल के ये सपोर्ट। तो प्लीज चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बगल में बेल आइकन घंटे दिख रहे हैं उसे और भी प्रेस कर लें, जिससे कि ये फायदा होगा कि कोई भी वीडियो डालूं जिसका नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉइड में पहुंचे और इस वीडियो को आप देख पाए आसानी से। तो यहाँ पे जो कि वन प्लस नॉट सी E3 में यहाँ पे मैं आपको गेम टेस्टिंग करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसा है यहाँ पे BGMI एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसे यहाँ पे PUBG एक्सपीरियंस मिलेगा, टोटली यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ और इसका यहाँ पे क्या क्या फीचर्स यहाँ के मिलने वाली है BGMI में, टोटली यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ पे BGMI ओपन करता हूँ और यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको टेस्ट करके बताऊंगा जो कि यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे क्राफ्टन यान की जो भी यहाँ पे PUBG का जो कि यहाँ एक्सपीरियंस है कितना अच्छा चलता है, कितना स्मूथ चलता है, टोटली यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ PUBG टेस्टिंग या फिर BGMI का ये या फिर PUBG टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो भी फटाफट लॉगिन है वो लॉगिन कर लीजिएगा और यहाँ पे टोटली यहाँ पे फीचर्स आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे BGMI टेस्टिंग कैसे चलने वाली है और यहाँ पे BGMI गेम प्ले आपको कैसा देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे BGMI जो कि यहाँ पे वन प्लस नॉट सी ई थ्री फाइव जी में। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, जो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना हो BGMI खेलने के लिए, इसके पहले सेटिंग्स करना होगा जो कि यहाँ पे सेटिंग्स में क्या ऐसी आपको सेटिंग्स मिलने वाली है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स ओपन करने उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक क्या क्या सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक में जाइएगा तो यहाँ पे ग्राफिक में आपको यहाँ पे देखिए स्मूथ हो गया, बैलेंस हो गया, SD हो गया, HDR आपको कीजिएगा तो HDR आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मीडियम हाई भी आप कर सकते हैं, पावर सेविंग में मीडियम और हाई पर भी आप खेल सकते हैं फ्रेम रेट। और यहाँ पर लॉबी की बात करूँ तो लॉबी भी आपको यहाँ पर 3 ही सपोर्ट करेगा जो कि यहाँ पर आपको स्मूथ में आपको अल्ट्रा सपोर्ट करेगा जो कि स्मूथ में दोनों भी देखेगा, तो स्मूथ में अल्ट्रा और यहाँ पर बैलेंस में अल्ट्रा दिखा, HD में अल्ट्रा आपको नहीं दिखा, HD में सिर्फ हाई आपको देखने को मिलेगा और स्मूथ में आपको अल्ट्रा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छी यहाँ पे ग्राफिक्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे देखिए क्लासिक कलरफुल हो गया, जो भी आप खेलना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे सपोर्ट को। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंटी एलिसिस की बात करो तो यहाँ पे 4X सपोर्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करूँ तो ब्राइटनेस भी आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस लॉग भी यहाँ पे दी हुई तो ब्राइटनेस भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जितना ब्राइटनेस रखेगा। उसके बाद नॉन स्टॉप स्क्रीन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे करंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो वैल्यू यहाँ पे दिस इज बिटवीन UI एंड साइड इफेक्ट्स स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप यहाँ सेट कर सकते हैं नन स्ट्रीमर सॉरी स्टैंडर्ड स्क्रीन हो गया। यहाँ पे देखिए एंटी ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स है, यहाँ पे फीचर्स भी है जो कि यहाँ पे देखते हैं ऑटो ग्राफिक है फीचर्स दिया हुआ जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्राफिक्स है जो फीचर्स होगा वो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कैप्चर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो के आते हैं तो ऑडियो यहाँ पे आपको इनेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई अल्ट्रा भी अब यहाँ हमने सपोर्ट नहीं करता, इसमें आपको सपोर्ट करेगा लो और हाई यहाँ पे सपोर्ट करता है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे वॉइस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप गेमों में ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे गेम आपको कैसे चलने वाली है इसमें आपको गेम प्ले। चलिए मैं यहाँ पे आपको गेम दिखा देता हूँ खेल के, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए मैं एक गेम प्ले खेल के दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिलने वाली है, आप देख पा रहे होंगे। आप लाइट भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे लाइट क्या बढ़ाइएगा तो यहाँ पे अलग ही देखने को मिला, क्योंकि अब मैं आप दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे आपको PUBG लाइट की या फिर BGMI का कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे वो कीजिएगा तो आप देख पा रहे होंगे अच्छी खासी यहाँ पे स्मूथ चल रही है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख पा रहे होंगे। इस तरह का यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस दी गई जो कि यहाँ पे। चलिए मैं एक गेम आपको मैं थोड़ी सी प्ले करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गेम का एक्सपीरियंस होगा कैसा आपको देखने को मिलेगा। मेरा गेम स्टार्ट हो गया और चलिए मैं यहाँ पे लैंडिंग एक्सपीरियंस दिखाता हूँ और यहाँ पे
FPS देख लीजिए जो कि नेटवर्क है, इसका ही नेट है। तो यहाँ पे 76 MPS काफ़ी अच्छी MPS है, इसमें अच्छी गेम प्ले कर सकते हैं। उसके तो लिए यहाँ पे मैं आपको स्मूथ यहाँ पे लैंडिंग करके आपको दिखाता हूँ कितनी फास्ट है। और यहाँ पे लैग के नो इशू है। आप इस फ़ोन को अगर परचेज करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और साथ ही में काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्राफिक्स भी सपोर्ट करता है, जिसकी आप इंजॉय कर सकते हैं। गेम प्ले बहुत ही अच्छी कोई भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पबजी है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे पबजी अगर खेलने वाले प्लेयर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। तो आप यहाँ इसे परचेज आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फ़ोन है, चलिए मैं इसे कट करता हूँ। उसके बाद यहाँ आप गेमिंग सेटिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी अलग से मैं वीडियोस बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख लीजिए कैसे आपको सेटिंग्स करनी है गेम प्ले, तो उसके भी जाकर आप देख लीजिएगा। तो आपको वीडियोज़ कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपने यूट्यूब चैनल 1KG सपोर्ट पर।